राज्य शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी रहे अरुण बिसेन की पत्नी जागेश्वरी बिसेन की नया रायपुर विकास प्राधिकरण में हुई अनियमित नियुक्ति मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री से जोगेश्वरी बिसेन की नियुक्ति की शिकायत की थी, जिन्होंने नियुक्ति की जांच की मांग की थी। राज्य शासन ने आवास एवं पर्यावरण विभाग को जांच कराने का जिम्मा सौंपा था। विभाग की विशेष सचिव ने चार बिंदुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, जिसमें जागेश्वरी बिसेन की नियुक्ति में अनियमितता पाई गई थी।